ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाध्यदेश तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवाष्णवानविदेवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुद्धाप अवसिद्धांत ध्वंतहारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरुभो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाख नित्यंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का प्राकट्य उत्सव है और साथ ही हमारे इस्कॉन के अन्यतम गुरु आचार्य श्री गौर गोविंद महाराज जी का तिरोभाव उत्सव है। आज सभी गौड़ी वैष्णव भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस स्थिति को आश्रय करके इतने बड़े महान भक्त आचार्य प्रकट हुए हैं और आज के दिवस में हम उनके उनका चरित्र कथन श्रवण करके उनकी कृपा याचना करेंगे ताकि हम भी आध्यात्मिक जीवन में कुछ गुरु वैष्णव के प्रति के लिए हम कुछ सेवा कर पाए और श्रील प्रभुपाद की इस पवित्र आंदोलन में हम अपना योगदान दें और अपना मानव जीवन को सफल बनाए। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं तीसरे स्कंद में 13वां अध्याय में विदुर के द्वारा एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें महाभागवत विदुर कहते हैं, चरितम तस्य राजस्य आदि राजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानस्य विश्वक्सेन आश्रय यशो श्रुतस्य पुंसाम रुचिर सुचिर श्रमस्य नन्नो अंजसा सुरवीडितो अर्थः यत् गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदं हृदयेषु येषाम। तो इस जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वां अध्याय तीसरा और चौथा श्लोक का मैं पाठ किया हूँ।
तो इसमें महाभागवत विदुर कहते हैं कि श्रुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य। हम जैसे इस भागवत महाविद्यालय में हम भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत मेहनत करके सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं भागवतम का, तो ये भागवतम का स्वाध्याय का यही फल है कि जो महान भक्त है, यद गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम, जिन महान भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल के प्रति अभिषेक की निष्ठा है, उन भक्तों के विषय में जब हम श्रवण करते हैं तब, और श्रद्धा विश्वास के साथ जब श्रवण करते हैं, तब हमारा ये भागवत स्वाध्याय करना, भागवत पढ़ना, ये मेहनत सार्थक हो जाता है। जैसे हम सत्यव्रत मुनि के कार्तिक महीने में हम रोज उसका पाठ करते हैं, उसके तीसरे नंबर श्लोक में है, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तो उसमें भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान की इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, भगवान की ये जो दिव्य मधुराती मधुर लीला है उसमें वही गोता लगा सकता है, उसमें उस अमृत का वही आस्वादन कर सकता है जो भक्तों के चरित्र में, जिसके भक्तों के चरित्र में जिसका मन रम जाए, भक्तों के चरित्र पर जिसका श्रद्धा और विश्वास हो, वही भगवान की मधुराती मधुर लीला में प्रवेश कर सकता है या फिर उसको वो समझ सकता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य दिवस है, और ये ऐसा चरित्र है जिनके ऊपर कई महान आचार्यों ने, कई भक्तों ने उनके ऊपर रचना किया, और विशेष रूप से हम इसको हमें देखते हैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराजी ने इनके ऊपर विस्तृत लिखा है, जिसको प्रत्येक वैष्णव को स्वाध्याय करना चाहिए, और इतने कम समय में 1 घंटे के अंदर दो आचार्यों का चरित्र जितना संभव हो सके उतना हम आज प्रस्तुत करूंगा, लेकिन बाकी ये तो महासागर की जैसा है जिसका कोई और छोर नहीं पा सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जिनको हम सप्तम गोस्वामी कहते हैं, जब वो पुरी में वो कार्य करते थे तब उसी समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, और वो ऐसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 6 फरवरी 1874 साल में और 6 तारीख को अपराह्न 3:30 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ था, और भगवती देवी उनकी माँ थी, और जब उनका मतलब जातकर्म संस्कार किया गया, जो ज्योतिष आए हैं जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस बच्चे के अंदर 32 गुण हैं जो महापुरुष में रहता है, तो वैसे ही ये बहुत ही दिव्य पुरुष को ही आए हैं। तो जब उनका जन्म कर्म जात कर्म संस्कार हुआ तब उस समय फिर वो बताए कि उनके शरीर में जनेऊ का मतलब जैसे हम जनेऊ को भी धारण करते हैं स्वाभाविक रूप से उनमें वो चिन्ह भी था। तो ज्योतिष बताए कि मैंने अपने जीवन में कई सारे ऐसे मतलब ये बनाए हैं, लेकिन ऐसा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा कि इतने मतलब दिव्य गुण इस बच्चे में है, मुझे पता नहीं, ये जरूर कोई महापुरुष ही आपके यहाँ आए हैं। तो जब उसी समय, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ, जन्म के बाद वो सिर्फ 10 महीने पुरी में उनका मतलब निवास हुआ, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल गए फिर दूसरे कार्य। तब जब सरस्वती ठाकुर जी का जब उनको 5वां महीना चल रहा था, तो उसी समय रथ यात्रा का महोत्सव होता है और जगन्नाथ जी का बहुत ही मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसी समय जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है तो रथ जो है धीरे धीरे पहले बलदेव और सुभद्रा का रथ जाता है, उसके बाद जगन्नाथ जी आते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जो जहाँ पे निवास था वहां पे जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, तो भगवती देवी ने छोटे से बच्चे को लेके जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जब गए, और जैसे हम अगर पूरा ट्रेडिशनल उड़िया
भाषा में अगर बोले तो बहुत भिन्न हो जाएगा, वो शब्द सब अलग रहता है। तब बच्चे को जब जगन्नाथ जी के चरण में वो प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी के गले से उसको ओडिया में बोलते धांडामाल, मतलब प्रसादी माला होता है जगन्नाथ जी का, तो वो गिर गया उनके चरणों में। तो जितने भी सेवक लोग वहां रथ के ऊपर बैठे थे तब सबने कहा कि ये बच्चा बहुत ही असाधारण कार्य करेगा जगत में। तो और उसी रथ के ऊपर ही भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी के प्रसाद से विमला प्रसाद जी को उनका अन्न प्रसन्न किया। और जब बचपन में भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि बच्चा क्या करेगा आगे जाके, तो ऐसा उत्सव मनाते हैं घर में, तो विभिन्न द्रव्य रख के पैसा रखते हैं, सोना रखते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर भागवत को अपने गले से लगा दी। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा थी कि वो एक ऐसा संतान उनको चाहिए जो महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार करे, तो भगवान की कृपा से ये भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम विमला प्रसाद रखा। और बचपन से ही अद्वितीय थे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर। तब जब वो पुरी से बंगाल आए तो 2-3 साल में, जब उनको 3 साल हुआ था, तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बाजार से पके हुए आम लाए थे और रख दिए थे। तो सरस्वती ठाकुर कौतूहल बस वो आम एक ले ली और खाने ही वाले थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि आप ये गलत कर रहे हो, कुछ भी चीज आता है तो पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, और भगवान को दिए बिना, ऑफर किए बिना अगर हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो ये अपराध है। तो इतने छोटे से उम्र में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर को ये बात लग गया और उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा लिया कि मैं जीवन में कभी भी आम नहीं खाऊंगा। तो इस चरित्र से हम देखते हैं जो आचार्य होते हैं वो अपने जीवन के आचरण के द्वारा ही माध्यम से सबको शिक्षा देते हैं। इतने जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई साधारण बच्चा है वो भी अभिमान कर लेता है, फिर बाद में समझाने से वो खाना शुरू कर लेता है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन में कभी भी उस दिन के बाद आम नहीं खाए। तो ये बचपन से पता चलता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे और बचपन से ही उनके अंदर दिव्यादिव्य गुण थे। तब उसके बाद जब कोलकाता में भक्ति विनोद ठाकुर ने रामबाग में एक जगह है जहाँ पे वो भक्ति भवन, मतलब जहाँ उस घर का नाम भक्ति भवन, तो जब वो भवन जब निर्माण हो रहा था, जब उसका खनन हो रहा था, तो उस मिट्टी के अंदर से एक कूर्म भगवान का विग्रह निकला। तो उसी विग्रह को जब उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उम्र 7 साल था, तब उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको महामंत्र दिया और एक नृसिंह मंत्र भी उनको प्रदान किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और 7 साल से ही बड़े निष्ठा से ये हरे कृष्ण महामंत्र और नृसिंह मंत्र को जाप करते थे और हर दिन कूर्म भगवान के विग्रह जो है उनका वो अर्चन करते थे। और 11 साल होते होते और संपूर्ण जितने भी गौर लीला है जहाँ पे महाप्रभु ने लीला किए हैं, सारे लीला स्थलियों को भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ही सरस्वती विमला प्रसाद ने दर्शन किए। और उसी समय से उनकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत ही तीव्र थी। एक बार अगर जिसको पढ़ लेते थे, एक बार जिसको देख लेते थे, जब उसको मतलब फिर बाद में कहना था तो बहुत ही प्रामाणिक तरीके से उस मतलब पूरा किताब से कौन से पेज में कौन सा नंबर श्लोक है पूरा एकदम प्रस्तुत कर लेते थे। तो बचपन से ही उनका जो इस स्मरण शक्ति के लिए सभी विद्वान लोग उनको बहुत ही मतलब प्रशंसा करते थे और कृपा करते थे। तो उनका जो मतलब शिक्षा थी वो रामपुर विद्यालय में वो गणित और ज्योतिष विद्या शिक्षा किए और उन्होंने पंडित महेश चंद्र गौरमणि और पंडित सुंदरलाल के चरणों में बैठ के ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया और ये दोनों महापुरुष उनको सिद्धांत सरस्वती उपाधि प्रदान किए। और बचपन से ही भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर की जो पदावली है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है और जितने भी आध्यात्मिक पुस्तक थे वो सब पढ़ने में रुचि रखते थे, लेकिन जब विद्यालय में शिक्षक देखते थे कि विमला प्रसाद मतलब थोड़े दूसरे ध्यान में है तो एक प्रश्न कर लेते थे उनको,
कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि या फिर दूसरे चीज में, लेकिन सरस्वती ठाकुर वो किताब तो पढ़ते थे। जैसे ही प्रश्न आता था कोई शिक्षक पूछते थे, तुरंत सही से उत्तर दे देते थे। तो इसमें मतलब कभी भी मतलब अपने जो गुरुजन है उनको मौका नहीं देते थे कि वो उनको कुछ कह सके, और हमेशा ही उनकी तीव्र बुद्धि की तरह हमेशा वो सफल रहे। और एक बार उनका, जैसे हम देखते हैं कि महाप्रभु की लीला में बड़े बड़े विद्वान लोग आए महाप्रभु के पास, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। जैसे सबसे प्रमुख है महाप्रभु का केशव काश्मीर के द्वारा जो तर्क हुआ था, तो इसी तरह से एक बार विमला प्रसाद जब छोटे थे तो उनका भी एक तर्क हुआ था। उनका नाम था पंचानन साहित्य आचार्य, एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उनका एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के ऊपर उनके दोनों में तर्क हुआ। तो कुछ ही मिनटों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको परास्त कर दिया। तो तब से उनको सब लोग डरने लगे कि बाप रे, विमला प्रसाद अगर, मतलब विमला प्रसाद जिस रास्ते में जाते थे विद्वान लोग उस रास्ते से देखते ही दूर चले जाते थे, इतने ऐसे मतलब मेधावी थे। और ऐसे उनका प्रस्तुति का शैली ऐसा था कि कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता, मतलब प्रश्न करने का मौका भी नहीं देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ऐसे थे। तो जब उनका उम्र 13 साल था, तो और वो उसी समय जब मतलब एजुकेशन सिस्टम था उस समय वो क्लास 7 में पढ़ते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको पूरी से लाके तुलसी माला पहले प्रदान किया। और उसी समय मतलब जब 13 साल में वो पहली बार तुलसी का माला धारण किए, और जिस तरह से मैं पहले बताया और मंत्र का जाप करते थे और कुर्म भगवान का अर्चन करते थे, जब उनको 13 साल हुआ तो वो खुद एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ग्रंथ लिखना शुरू किए। और 1892 साल में वो एक एंट्रेंस एग्जाम दिए, जहाँ पे वो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो वहाँ पे वो उनके जो वेद पढ़ने लगे, और उनके जो टीचर थे उनके नाम थे पृथ्वीधर शर्मा। तो उनके अनुगत्य में, वो पृथ्वीधर शर्मा के अनुगत्य में उन्होंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में पारंगत हुए, और ऐसे विद्वान हुए। बाद में उन्होंने उनको विमला प्रसाद को अनुरोध किया कि आप व्याकरण भी पढ़िए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अर्थात विमला प्रसाद जी जो है उन्होंने साफ मना किया कि मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वो महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, मैं व्याकरण नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो वो तब से वो मतलब कॉलेज छोड़े, और फिर 1895 में से लेके 1905 तक वो त्रिपुरा के जो राजा थे उनके अनुगत्य में वहाँ पे चीफ एडिटर के पोस्ट में वो नियुक्त हुए, और कई सारे मतलब महान कार्य उनके द्वारा हुआ। और बाद में भी जब उनका त्रिपुरा के जो राजा थे जब उनका देहांत हो गया, तब राज परिवार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार्य करते रहे। लेकिन 1898 में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने गोद्रम द्वीप में अपना निवास वो निर्माण किया, और जिसका नाम उन्होंने दिया स्वानंद सुखद कुंज, तो जब उसी समय वास्तव में गौर आविर्भाव स्थली जो योगपीठ के नाम से हम जानते हैं, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाशय की सहायता से उसका मतलब चिन्हट किया, प्रस्तुत किया वो मंदिर। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाशय ब्रजमंडल से गौर मंडल पधारे, और गौर किशोर दास बाबा जी महाशय का उनका बहुत वो परमहंस थे, उनके हाथ में एक जपमाला था, गले में कंठी थी, और हाथ में नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका और कुछ पुस्तक थे। यही उनका बहुत ही सरल जीवन था। और भक्ति विनोद ठाकुर जब भी कुछ मतलब प्रस्तुत करते थे, प्रेजेंटेशन देते थे शाम को कथा, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रवण करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा उनका नजर जो है वो गौर किशोर दास बाबा जी महाशय के ऊपर रहता था। और वास्तव में सरस्वती ठाकुर जी ने एक जगह पे लिखा है, मैं पहली बार जब उनको देखा तो मेरा मन जो है उनके चरणों के प्रति आकर्षित हो गया, मैं उनके चरण में बिक गया जब मैं पहली बार उनका दर्शन किया।
एक बार भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रेरणा दे कि आपको दीक्षा लेना चाहिए। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट के लड़के थे और काफी उनका मतलब नाम था, बहुत ही विद्वान थे और कई सारे जो मतलब प्रभुपाद के शब्दों से सो कॉल्ड जो आचार्य थे जो सिर्फ प्रतिष्ठा पाने के लिए शिष्य ग्रहण करते थे, वो चाहते थे कि विमला प्रसाद को शिष्य बनाए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसा था, बहुत लोग चाहते थे कि सरस्वती ठाकुर को शिष्य बनाए, लेकिन सरस्वती ठाकुर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जब भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि आप जाइए गौरकिशोर दास बाबू जी महाशय से आप दीक्षा लीजिए, तो जब विमला प्रसाद पहले दिन गए तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय बोले कि आप इतने बड़े विद्वान हो, आप कैसे, मैं तो बिल्कुल अनपढ़, कैसे आप मेरे को गुरु बनाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने बहुत बार प्रार्थना की और उनके भाव को देखे तो फिर भी नकार दे, बोले कि मैं महाप्रभु को पूछ के आपको बताऊं। तो फिर जब दूसरे दिन गए तो बोले मैं पूछना भूल गया। तो फिर तीसरी बार जब गए कि फिर नीरव चुप रहे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, कुछ उत्तर ही नहीं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही विनम्र पूर्वक कहा कि आप जो हैं आप और महाप्रभु ये कपट शिरोमणि कृष्ण के ही भक्त हैं। और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कहा कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, तब उन्होंने एक पद ही गाया नरोत्तम दास ठाकुर का, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबे यार। इतने बड़े विद्वान जिनको कई लोग चाहते थे शिष्य बनाने के लिए, और वो व्यक्ति आके गौरकिशोर दास बाबाजी महाशय के चरणों में ऐसा उनका जो भाव प्रस्तुत किया, इतने विनम्रता का वह जो भाव देख के गौरकिशोर दास बाबाजी महाशय का हृदय विगलित हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जब लोकनाथ गोस्वामी महाराज के पास गए तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं आपको शिष्य में कभी मैं शिष्य ही नहीं ग्रहण करूंगा, मुझे किसकी सेवा की आवश्यकता है। तब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जिस तरह से सेवा की और लोकनाथ गोस्वामी उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किए, तो सरस्वती ठाकुर लिखते हैं इस जगह में कि वास्तव में एक जो व्यक्ति इसी जीवन में भगवान को पाना चाहता है उसके जीवन में सबसे बड़ी जो भूषण है वो है दैन्यता। उसके बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना असंभव है। तब गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय बोले कि आप जाओ सरस्वती नदी में स्नान करके आओ। तब माघ के महीने में और 1900 साल में पहली बार उन्होंने अनुरोध किया था सरस्वती मतलब गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय को, और फिर उन्होंने जब दीक्षा दिया जब वो स्नान करके आए उनका नाम दिया बाष्पभानवी देवी दैत दास। गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय उनका नाम दिए बाष्पभानवी देवी दैत दास। तो दीक्षा के तुरंत बाद उन्होंने धीरे धीरे गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय जो है उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रेरित किया किस तरह से महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार हो। तो जब उनको 31 साल हुआ था तब जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तब बहुत सारे उस समय प्रतिबंधक थे, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद जी ने वास्तव में ये कहा है कि प्रभुपाद जब प्रचार करना शुरू किए तब तो मतलब हालात बहुत बहुत ही मतलब ठीक था, लेकिन जब सरस्वती ठाकुर था वो पराधीन देश ब्रिटिश मतलब हम लोग पराधीन थे, मतलब उस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। लेकिन अभी हम सुनेंगे किस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार प्रसार किया जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है उनकी मतलब जो ये थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब उनका उम्र 31 साल था तब उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और हर रोज वो 3 लाख नाम करना शुरू किए। और इसी तरह से सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि 9 साल में मैं 1 करोड़ नाम पूरा कर लूंगा। तब उन्होंने जो योग पीठ है वहां पे बैठ के
तीव्र भजन करना शुरू किया। और उसी समय उसी दौरान भी अगर कहीं कहीं जाना भी पड़ता था, लेकिन सरस्वती ठाकुर अपना नियम पूरा कर लेते थे। और उनके दयनीयता और उनकी जो उसी समय उनके जो वैराग्य दर्शन करके गौर किशोर दास बाबा जी महाशय उनको मेरे प्रभु कह के बोलते थे, संबोधन करते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाशय कहते थे कि रूप रघुनाथ जी का जो वैराग्य है, मैं अपने प्रभु में वो दर्शन कर रहा हूँ। यही तो मतलब पहले तो मतलब इतना उनका जीवन में दृढ़ संकल्प था और इतना मतलब ये भाव था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रसन्न हो गए। और जो गौर को किशोर दास बाबा जी महाशय किसी को भी अपना चरण स्पर्श करने का अधिकार नहीं देते, कोई भी उनका चरण स्पर्श नहीं कर पाता था, वो स्वयं ही भक्ति बिमला प्रसाद जी के ऊपर या फिर बाष्पभानवी देवी दैत्यदास के ऊपर अपना चरण पधारे, मतलब चरण रखा और उनको आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप महाप्रभु का वाणी का प्रचार प्रसार करो। तब 1911 में वहां पे बंगाल में बहुत ही बड़ा मतलब झगड़ा हुआ, जहां पे स्मार्ट ब्राह्मण लोग और वैष्णव के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। मुख्यतः ये झगड़ा बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, मैं इसका सिर्फ सारांश कहना चाहता हूँ। जो ब्राह्मण लोग हैं उनके वो दो मुख्य बात पर विरोध करते थे वैष्णव को। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वही शालिग्राम जी का, शालिग्राम भगवान का सेवा का अधिकारी है, और जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ है चाहे उसका वैष्णव संस्कार हो, वो कभी भी शालिग्राम का मतलब सेवा नहीं कर पाता है, नहीं करना चाहिए, दीक्षा लेने के बाद भी नहीं करना चाहिए। और जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ है वो कभी आचार्य नहीं बन सकता या गुरु नहीं बन सकता है। उतना आज भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं, अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा होगे तभी आप गुरु बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन ये बात में जब झगड़ा हुआ तो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही बड़ा मतलब सभा का आयोजन हुआ, जिस समय में कई सारे बंगाल के जो दिग्गज पंडित हैं वो सभा में मतलब वो बैठे, किस तरह से समाज में ये समस्या का समाधान हुआ। तब उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इस सभा का मतलब आप ये कर सकते हैं, इस समस्या का आप समाधान कर सकते। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उस समय शज्ञाशायी थे, मतलब वो बीमार थे, तो उन्होंने बिमला प्रसाद जी को भेजा कि आप जाओ और इसमें प्रस्तुत करो। तो उसी समय से बिमला प्रसाद जी ने बहुत सारे मतलब प्रस्तुत किए, आर्टिकल्स लिखे इसके ऊपर, किस तरह से वैष्णव धर्म क्या है और किस तरह से व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्तर में उन्नत कर सकते, तो उसमें कई सारे लेख प्रस्तुत किए। तब जब उन्होंने इस सभा में योगदान किया तो सबकी अनुमति लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहना प्रारंभ किए। तो शुरू में तो इतना विवाद था कि मरने मारने पर तुले थे लोग, किसी भी तरह से मतलब अपना पार्टी जीतना चाहिए, हमारा मतलब जीत होना चाहिए, इस तरह से वो वहां पे लोग हो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मतलब खड़े हुए और कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्राह्मण का बहुत गुणगान किया, किस तरह से शास्त्र में ब्राह्मण को, ब्राह्मण की श्रेष्ठता है, तो वो कहना प्रारंभ किया। तो ब्राह्मण लोग तो मतलब उनका खुशी मतलब देखने लायक था, वो सब लोग सोचे कि यार बिमला प्रसाद तो हमारी तरफ है, तो वो लोग तो खुशी है कि जीत तो पक्की हमारा हो गया, क्योंकि बिमला प्रसाद अगर बोल रहा है तो चुप करा ही देगा, कोई बोल नहीं सकता है उनके सामने। तो कई समय तक ऐसे बोलते गए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मतलब वो भगवान के सबसे करीब, इस तरह से कहते। फिर बाद में उन्होंने कुछ समय के बाद प्रस्तुत किया किस तरह से जो है वैष्णव धर्म श्रेष्ठ है, किस तरह से व्यक्ति भगवान के आश्रय लेके सभी मतलब स्तर से ऊपर उठ जाता है। तब ये लोग तो हक्के बक्के रह गए कि कैसा प्रस्तुत हो रहा है। फिर 3 दिन तक ये मतलब शुरू हुआ, कई विवाद होते, कई झगड़े मतलब झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन बिमला प्रसाद एक के बाद ऐसे प्रस्तुत करते थे कि सबका मुंह बंद कर देते थे, मतलब ऐसे वेदों से उपनिषद से सब प्रस्तुत करते थे कि मतलब फिर अंत में ये मतलब लोग तो कुछ लोग तो ऐसे माने नहीं, लेकिन
बिमला प्रसाद ने तय कर दिया कि जो ये आध्यात्मिक पथ है वो श्रेष्ठ पथ है, और व्यक्ति जब वैष्णव धर्म को स्वीकार करता है तब वह शालिग्राम का अर्चन कर सकता है या वो गुरु बन सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है, जय भजे से बड़ और भक्त हीन छा कुलीन पंडित ब्राह्मण बड़ अभिमान, वृंदावन दास ठाकुर का ये पद है चैतन्य भागवत से। तो फिर भी उनको कई सारे मतलब परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ा। आज हम ये जो प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में प्रभुपाद जी कहते थे पहला क्षेत्र का जो प्रस्तुति है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। तो इन महान आचार्यों के बलिदान के ऊपर हम आज सुकून से बैठ के प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। तब उसी समय उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहा गया, ऐसे विद्वान थे। एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई भी ग्रंथ को देख लेते थे, जब कोई मायावी संस्था में जाते थे तो वो खुश हो जाते थे कि विमला प्रसाद हमारे संस्था में आ गए, लेकिन जाके वहां पे पढ़ते थे और एक बार जो ग्रंथ को पढ़ लिया तो तुरंत ही तुरंत उनको मतलब याद कर लेते थे। तो उसी समय में 22 जून 1914 को जब भक्ति भवन में भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट लीला किए, उसके बाद एक ही साल के बाद 17 नवंबर 1915 को उत्थान एकादशी के दिन गौर किशोर दास बाबा जी महाशय का अप्रकट हो गया। और गौर किशोर दास बाबा जी महाशय कहाँ पे अप्रकट हुए? नवद्वीप में। और उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वार्षभानवी देवी इस तरफ थे, नवद्वीप में थे, मतलब जो चैतन्य गौड़ी मठ जहाँ पे है वहां पे निवास करे। जब उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाशय का अप्रकट होने का संवाद पाए तो उनके एक मतलब अनुगत में थे, तो उनके साथ वो आए नवद्वीप में, गंगा पार करके आए। और ये जो प्रसंग है इसको सरस्वती जयश्री के नाम से, ये जो आख्यान है इसको सरस्वती जयश्री कहा जाता है। तब जब वो आए तो उसी समय मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाशय तो सिद्ध संत थे, उनको सिद्ध परमहंस सिद्ध कहा जाता था और सब लोग जानते थे नवद्वीप में। तो उनके समाधि को लेके कई सारे लोग, सरस्वती ठाकुर जब पहुंचे तो उसी समय झगड़ा ही शुरू हो गया था पहुंचने से पहले, क्योंकि अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाशय को समाधि देने के लिए कई सारे लोग, कई मठ के लोग, कई सारे व्यक्तित्व तो कहते थे कि गौर किशोर दास बाबा जी महाशय को हम समाधि, वो हमारे, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करने, फिर जहां समाधि होगा तो लोग जाएंगे दर्शन करेंगे, पैसा इनकम करने का एक माध्यम हो जाएगा। तब जब सरस्वती ठाकुर पहुंचे तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं मेरे गुरु महाराज का एक ही शिष्य हूं, मैं अकेला ही उनका शिष्य हूं, तो ये अधिकार मेरे है, मेरा है। लेकिन कई सारे लोग विरोध करने लगे और मैं तो ये कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे अधिकार के बाहर है, लेकिन जैसे ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है बस उसका मैं कह रहा हूँ। कई सारे बाबा जी भी वहां पे उपस्थित थे जिन्होंने दावा करते थे कि उन्होंने कहा कि ये सन्यासी नहीं है, ये जो कह रहा है मैं शिष्य हूँ ये सन्यासी नहीं है, और जो सन्यासी नहीं है वो कैसे सन्यासी को समाधि दे सकता है। जब ये बात उन्होंने कहा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े आवेश में आ गए, उन्होंने कहा कि भले ही मैं सन्यासी नहीं हूं लेकिन मैंने अपने बचपन से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो उनका वैराग्य भाव बचपन से ही था। और उन्होंने जब ये वाक्य सुना कि मैं आजीवन अपने गुरु के आदेश पर अपना जो जीवन है बहुत पवित्रता से निर्वाह कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे में कोई मतलब जोशित संसर्ग से बचते हुए एक साल निर्वाह किए या कम से कम 6 महीने, कम से कम 3 महीने, उसके बाद बोले कि कम से कम 3 दिन अगर कोई जोशित संसर्ग से मुक्त है तो आप मेरे इतने बड़े जो महान गुरु हैं उनका स्पर्श करिए, अगर सावधान, अगर ये अगर आप गलत काम करते हुए मेरे गुरु का स्पर्श करेंगे तब आप जल के राख हो जाए। इतना गंभीर वाक्य तुरंत ही जब कहा, उसी समय वहां पे राय बहादुर यतीन्द्रनाथ सिन्हा महाशय, उनको जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर थे वहां पे वो उपस्थित थे, और वास्तव में वो लिखते हैं, उनका टिप्पणी है इसके ऊपर
जब सरस्वती ठाकुर ने कहा, जो मतलब प्रभुपाद कहते हैं सो कॉल्ड बाबा जी, वो जब जो कह रहे थे कि ये सन्यासी नहीं है, वास्तव में हम ही उनको समाधि देंगे, वो अपने सिर में कपड़ा ढक लिए और चले गए। पूरा तुरंत इतने जो समाज इकट्ठा हुआ था समाधि देने के लिए, पूरा एकदम समाज खाली हो गया। और वो देख के आश्चर्य हो गए वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट का ऑफिसर थे, और दो कनेस्टेबल भी वहां पे उपस्थित थे। सब देख के आश्चर्य हो गए, माहौल एकदम सुनसान हो गया। और सरस्वती ठाकुर, क्योंकि गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय ने कहा था कि मैं जब मेरा शरीर जब छोड़ जाएगा तो मेरे शरीर को नवद्वीप के रास्ते पे घसीटते हुए आप ले जाना, तब जाके मेरा जीवन सार्थक होगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक टिप्पणी है गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय का, जो मैं पहले भी कहा है उसको, कि जो गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय किसी को अपना चरण स्पर्श का अधिकार नहीं देते, लेकिन वो स्वतः बिमला प्रसाद जी के ऊपर अपना चरण प्रदान किए, वो जो उनका जो अनुभव है वो सरस्वती ठाकुर खुद लिखे कि मैं नहीं, मतलब उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय के जैसा कोई भक्त आज तक प्रकट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उन्होंने किस लिए लिखा है कि जब उन्होंने अपना चरण कमल मेरे माथे पे रखा, तब मेरा हृदय में जितना भी मतलब उस समय उनका जो अनुभव है कि मेरे अंदर सारे आसक्ति दूर हो गई, और जो उनके जैसा जो भक्ति मैंने आज तक जीवन में किसी में देखा नहीं, उनके जैसा वैराग्य मैंने कहीं देखा नहीं, और उनको देख के उनको स्पर्श करके मेरा जो अनुभव है मैंने आज तक किसी दूसरे साधु को देख के या उनके साथ मतलब वार्तालाप करके उनका संग करके कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। तब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गोपकिशोरदास बाबा जी महाराज के दिव्य शरीर को हाथ में लिया, और उन्होंने एक चरित्र का उस समय याद किया, जिस तरह से महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को लेके रोए थे, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब अपने गुरु महाराज के विरह में वो फूट फूट के रोए। और उनका जो एक तो भक्ति विनोद ठाकुर चले गए, और दूसरा गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय का जो अप्रकट हुआ, ये जो इतना बड़ा जो अभाव उनके जीवन में आ गया, और रोते हुए ही उन्होंने समाधि प्रदान किया गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय को। और बाद में गंगा में जब ये आता है, फ्लॉड आता है, तो उस समय गोपकिशोरदास का बाबा जी महाशय का जो समाधि है वो मतलब पानी में आ गया था। तो बाद में सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को भेजा, और उन्होंने गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय का जो समाधि है वो बाद में लाके अभी हम जो देखते हैं चैतन्य गौड़ी मठ, वहां पे पुनः स्थापना किया। तो उसी समय 29 मार्च 1918 को जब उनका उम्र 44 साल था, 44, उन्होंने संन्यास लिया गोपकिशोरदास बाबा जी महाशय के फोटो को रखते हुए। और उसी समय वार्षभानवी देवी दैत्य दास जो है वो रामानुज संप्रदाय के कई सारे मतलब आचार्यों के मतलब कृपा पात्र थे, और उसी विधि से उन्होंने संन्यास लिया। हालांकि ये जो पद्धति है ये सबके लिए नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार के लिए ऐसा मतलब प्रचार करने के लिए, महाप्रभु के वाणी का प्रचार करने के लिए ऐसा स्टेप उन्होंने लिया। और उसी दिन जिसी दिन संन्यास लिया उसी दिन जो चैतन्य मठ है उसका स्थापना किया, और विग्रह का नाम दिया गांधर्विका गिरिधारी। तो ये विग्रह के बारे में श्रीपाद जननिवास प्रभु से एक स्टोरी मतलब उनकी लीला सुना था, तो उसको मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जननिवास प्रभु कहते हैं कि जिस दिन मतलब ये विग्रह का प्रतिष्ठा करने के लिए जयपुर गए भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, तो जैसे ही वो दुकान के अंदर गए तो वो व्यक्ति आके तुरंत ही उनको प्रणाम किए, बोले आपका नाम भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर है। तो सरस्वती ठाकुर आश्चर्य हो गए, स्वाभाविक मतलब कोई बिजनेस जो करते हैं दुकानदार ऐसे आके पूछते हैं, लेकिन तो पूरा नाम ही बता दिया। तो बोले आप कृष्ण विग्रह लेने के लिए आए, तो बोले हाँ मैं इसलिए आए। बोले ये ठाकुर जी जो गांधर्वी का गिरिधारी है, आप देख सकते हैं उस समय इतना बड़ा मतलब विग्रह और जिस तरह से सरस्वती ठाकुर ने उनको प्रस्तुत किया, बोले यही विग्रह है
कल रात मेरे को स्वप्न में कहे कि कल एक सन्यासी आएगा जिनके आएंगे आपके दुकान में, जिनका नाम है भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, और मैं उनके हाथों से सेवा लेना चाहता हूँ। तब सरस्वती ठाकुर ने उनके पास आए और आप सोच नहीं सकते थे, मतलब अभी तो हम देखते हैं गौड़ीय मठ ऐसा है, लेकिन भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने गांधर्वी का गिरधारी की सेवा के लिए हाथी रखे थे, घोड़ा रखे थे, ऊंट रखे थे। हाँ, ऐसा उनका मतलब जो सेवा का सौष्ठव है। एक बार जननिवास प्रभु कहते थे कि मतलब पूरा गोल्डन ज्वेलरी सरस्वती ठाकुर ने किया था वो गांधर्वी का गिरधारी के लिए, तो एक पुजारी ही चोरी करके लेके जा रहा है, वो गौड़ीय मठ का पुजारी ही चोरी करके लेके गया, और तुरंत ही साइकिल में कुछ ही कदम निकला था तो एक भयंकर सांप उसको मतलब पीछा करने लगा। तो तुरंत ही जब वो सांप को देख के वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा, तो तुरंत आके फिर गौड़ीय मठ में वापस किया, तब जाके वो सांप मतलब उसके बाद वो सांप उसको नहीं देखा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो आचार्य होते हैं वो विग्रहों का स्थापना करते हैं, और उनका भी मतलब जो आचार्य होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण ये रहता है कि वो विग्रहों का स्थापना करके जो कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही निष्ठावान होते हैं। तो उसके बाद 1900 जब संन्यास लेने के बाद मार्च में संन्यास लिए और 23 जून को मतलब 20 भक्तों के साथ वो पुरी गए दर्शन के लिए, और वहां जगन्नाथ दर्शन करते हुए भगवान की कृपा याचना किया किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, और 1918 में उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कुंज विहारी विद्याभूषण, तो वहां पे उल्टा डबला जहाँ पे प्रभुपाद जी पहले साक्षात किए थे सरस्वती ठाकुर के साथ, तो वहां पे एक रेंटेड हाउस ली, भाड़े में एक घर ली, और वो भाड़ा था उस समय 50 रुपये, और 50 रुपये देने का मतलब उस समय इतना भी मतलब ये नहीं था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी गृहस्थ शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि ये कार्य हम करेंगे ताकि प्रचार प्रसार हो, तो बहुत ही तीव्रता से प्रचार करना शुरू किया। तो उसी समय कई सारे जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जो स्मार्ट ब्राह्मण है और जो गोसाई है, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं जाति गोसाई, मतलब नित्यानंद प्रभु के परिवार के लोग हैं या अद्वैत प्रभु के परिवार के लोग, ये लोग बहुत ही विरोध करते थे और कई जगह तो सरस्वती ठाकुर के ऊपर मतलब ईंट पत्थर भी फेंका जाता था कुछ सभा में, ऐसा हालात था। तो एक बार बहुत ही मतलब दुखित अंतकरण में योगपीठ में बैठ के सरस्वती ठाकुर जब ये गांधर्वी का गिरिधारी की तरफ देख के प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी रात ही स्वप्न में उनको महान जितने भी हमारे आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोरदास बाबाजी महाशय पंच तत्व का उनका दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप निर्भय होके प्रचार कीजिए। तो 1918 में 10 भक्तों को लेके पहले उन्होंने प्रचार किया और उनका पहला पड़ाव था यशोहरा में, यशोहरा गांव में जब पहले वैष्णव कॉन्फ्रेंस वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, और उस जगह पे हरिदास ठाकुर के ऊपर उन्होंने एक मतलब संवाद प्रस्तुत किया था उस कॉन्फ्रेंस में। तब उसी सभा में भी विरोध हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही मतलब विद्वत तरीका से वो सभा को प्रस्तुत किया, सबको समझाया, और उनकी जो जो विद्वत थे बंगाल में कई सारे विद्वान विद्वत लोग उस सभा में आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मतलब प्रस्तुत करने की जो शैली थी उसमें इतने प्रभावित होते थे कि वास्तव में जैसे मैं पहले भी कहा सरस्वती ठाकुर जब बोलते थे तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते, प्रश्न करने का मौका ही नहीं देते, ऐसा उनका मतलब शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उपस्थापना किया, और धीरे धीरे उनका जो प्रचार मतलब बहुत तीव्रता से शुरू हुआ, और पहले 1 जनवरी को उस संकीर्तन पार्टी था वो प्रचार करके कीर्तन करके बनग्राम से वो वापस आए, मतलब कलकत्ता वापस आ गए। तब 5 फरवरी को 1919 में विष्णुप्रिया देवी के आविर्भाव के दिन उन्होंने विश्व वैष्णव राजसभा का प्रतिष्ठा किया, और उसमें कई सारे हैं, मैं तो सिर्फ मतलब
जैसे मैं पहले भी कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र जो है एक अगाध सिंधु की तरह है, जिसको मतलब एक घंटे में प्रस्तुत करना तो नामुमकिन। बस थोड़ा थोड़ा मतलब जो मुख्य उनके सभी चीज मुख्य है, लेकिन समय के हिसाब से मुझे जैसा मतलब मेरा मत जैसा मतलब मैं याद कर पा रहा हूँ वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व वैष्णव राजसभा में कई सारे चीज उन्होंने रखा था कि ये सभा में कौन सदस्य बन सकते हैं। तो उसमें एक है कि जो जीव गोस्वामी की षट संदर्भ के ऊपर जो जो अपने जीवन को आधारित करते हैं वो इस सभा के सदस्य है, और जो भगवान के कृष्ण के प्रति समर्पित है वो इस सभा के सदस्य है। बाद में ये जो सभा है वो गौड़ीय मिशन के नाम से बाद में वो गौड़ीय मिशन हो गया। तो फिर उसी समय एक पत्रिका आता था कलकत्ता में जिसका नाम था अमृत बाजार। उन्होंने उस इस जो न्यूज़पेपर में इतने मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हाईलाइट किया, और उसी उसके बाद तुरंत ही प्रभुपाद जी ने एक साप्ताहिक मतलब आध्यात्मिक पत्रिका शुरू किया जिसका नाम था गौड़ीय। तो उसी समय एक जो जर्नलिस्ट है वो आके पत्रकार है, उन्होंने आके पूछा कि आप कैसे ऐसे मतलब ये सब कार्य कैसे करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आपका टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं, हम तो हर मिनट में छापना चाहते हैं, न्यूज़पेपर चलाना मतलब प्रस्तुत करना चाहते हैं। कि उन्होंने एक युक्ति प्रदान किया जो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते थे कि जो न्यूज़पेपर है, और श्रील राधा गोविंद महाराज अक्सर ये बात महाराज श्री ये बात कहते थे अपनी कथा में कि हम सुबह जो न्यूज़पेपर आता है मॉर्निंग न्यूज एडिशन वो शाम को पुराना हो जाता है, बाकी उसको कोई पढ़ता नहीं, लेकिन भगवान का जो न्यूज है वो हमेशा फ्रेश है और हमेशा नया है। तो हम तो हर मिनट में न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, हमको ये करने नहीं देता। तो प्रभुपाद जी एक जगह में एक क्लास में कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं कि मतलब समय और काल उनके सामने जो नतमस्तक हो जाए, मतलब उनकी जो प्रचार का जो शैली थी, अभी हम सुनेंगे किस तरह से अभी तो शुरू कर रहे हैं किस तरह से उन्होंने प्रचार शुरू किया, और जितने भी आधुनिक युग में जितने भी नए तरीके से प्रचार हो सकता है जो आज हम देख रहे हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू कर दिया था अपने समय में। तो उन्होंने उस समय फिर भागवत प्रिंट करना शुरू किया, जिस तरह से प्रभुपाद जी हम देखते प्रस्तुत किए, तो भागवत भी उन्होंने प्रिंटिंग करना शुरू किया। और पहले 1923 में वो प्रचार पार्टी बनाए, और जिसमें कई सन्यासी उनके थे, कई ब्रह्मचारी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और उसी समय 1923 में ही जब वो नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए तो वेदांत सूत्र के एक ही सूत्र के ऊपर 30 तरीके के मतलब भाष्य प्रदान किए, और उनकी विद्वता को देख के सारे मतलब नवद्वीप में सारे मतलब बंगाल में एक मतलब ये हो गया कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो बहुत ही सच्चे में महाप्रभु की जो ये प्रचार का जो कार्य है एक योग्य व्यक्ति के हाथ में लगा है। तो 1936 में उन्होंने एक एग्जीबिशन मायापुर में प्रस्तुत किया, और जहाँ पे वो 15 दिन का एग्जीबिशन था तो वहाँ पे कई सारे लोग आते थे देखने के लिए, और किस तरह से वो जो मतलब आइडल प्रेजेंटेशन रहता है, किस तरह से स्टोरी प्रेजेंटेशन रहता है, किस तरह से लोगों को वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे निमंत्रण करना और भगवान की वाणी का किस तरह से प्रचार करना है। तो वहाँ पे एग्जीबिशन में कई सारे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे एक बार जब घुसता है तो बाद में जब लौटता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस समय इस तरह का मतलब कोई प्रस्तुत कर सकता है, लोग सोच नहीं सकते थे। फिर 1931 में उन्होंने एक स्कूल किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसका नाम था भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, जो आज भी हम देख सकते हैं मायापुर मतलब योगपीठ जाते समय वो एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था उसी समय जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो निर्माण किया। और मैं एक्चुअली कहना भूल गया, जब दीक्षा लेने के बाद गौर किशोर दास बाबाजी महाशय से दीक्षा लेने के बाद जब 20 भक्तों को लेके जा रहे थे पूरी,
उसी समय पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बहुत ही दिव्य स्थिति में चले गए थे, महाभाव स्थिति में चले गए थे और वो अनकॉन्सियस हो गए थे, और लेकिन उनके जो साथ में जो लोग थे वो सोचते थे कि शायद वो मतलब शौच के लिए गए इसीलिए ऐसा हो गया है, लेकिन उनके जो दिव्य स्थिति है वो मतलब सोच नहीं सकते थे। तो कुछ ही समय के लिए वो उस दशा में उस समय चले गए थे, और जब अलारनाथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मंदिर प्रस्तुत कर रहे थे, आप देखेंगे अगर अलारनाथ आप जाएंगे तो ठीक अलारनाथ मंदिर के साथ ही लगा हुआ गौड़ीय मठ है। तो उसी समय जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सरकारी तौर से अलारनाथ मंदिर का संस्कार हुआ, और जब मिट्टी के नीचे से अलारनाथ जी का विजय विग्रह प्राप्त हुआ तो वो पुजारी जो थे, अलारनाथ आप देखेंगे इतना मतलब प्रसिद्ध जगह नहीं, बहुत ही कम लोग जाते दर्शन के लिए, और मतलब साल में सिर्फ एक ही बार मतलब जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के बाद ही उसी समय भीड़ होता है, बाकी समय कोई जाता ही नहीं। तो पुजारी क्या किया, वो विग्रह को अपने घर लेके रख दिया जिस दिन प्राप्त हुआ उसको, और रात को स्वप्न में वो अलारनाथ के जो विजय विग्रह है उनको बोले कि तुम मुझे मंदिर के पास ही गौड़ीय मठ हो रहा है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मुझे दे दो, मैं उनके हाथ से सेवा लेना चाहता हूँ। तो सुबह जैसे ही पुजारी आए और उनको विग्रह दिया तो तुरंत ही विग्रह को देख के सरस्वती ठाकुर पूरा एकदम भावावित हो गए, और उनका मतलब चेतना नहीं रहा, और जब शिष्य लोग उनको उठाए तो उनको खुद भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ। तो इस तरह से कई जगह में जो चरित्र आचार्य लिखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये मतलब स्थिति भी देखने को मिलता है। उसके बाद 1932 में वो मैसूर के राजा के पास मिलने के लिए गए और बैंगलोर में प्रचार किया और कई जगह में विग्रहों का स्थापना किया। 1932 में उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा किए और उसी दौरान फिर विरोध का सामना उनको करना पड़ा, यहाँ तक कि जो सप्त देवालय है जब ये परिक्रमा जाता था तो वो मंदिर के दरवाजे बंद कर देते, जितना दुकान है वो दुकान बंद हो जाता था, इतनी मतलब भयंकर तरीके से वो ब्रजमंडल परिक्रमा में उनका विरोध हुआ, और कई जगह में लोग ईंट पत्थर फेंकते थे। क्यों, दो ही कारण था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुए उनको मतलब जनेऊ दे देते थे, और दूसरा है कि दूसरे मतलब जात में पैदा होने वालों को संन्यास दिया जाता था। ये दो मुख्य विरोध का कारण था, और ब्रजमंडल में भी कई सारे विद्वान लोग उनके साथ तर्क करने के लिए आए, लेकिन जब परिक्रमा खत्म हुआ और जब राधापुर में परिक्रमा का पड़ा रुका तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत का एक ही श्लोक के ऊपर बहुत दिनों तक उन्होंने प्रवचन रखा, तब ब्रज के कई विद्वान लोग उस प्रवचन को सुने और उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में ये महोदय जो कह रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही युक्तियुक्त हैं, और उन्होंने सरस्वती ठाकुर का समर्थन करना शुरू किया। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 18 सन्यासी को नियुक्त किए, जो मतलब कहाँ कहाँ पे प्रचार होगा, इतनी तीव्रता से होगा, और किस तरह से जो लोग आएंगे उनको कृष्ण भावना में जोड़ा जाए, और कई ब्रह्मचारी 18 सन्यासी और कई ब्रह्मचारियों को लेके एक कमिटी प्रस्तुत किए, और उन्होंने बहुत ही आधुनिक तरीके से प्रचार करना शुरू किया। उनका पहला कार्य था, पहले उन्होंने संकीर्तन जो हम देख रहे हैं बर्स पार्टी होता है उस तरह से प्रचार करना शुरू किया। एग्जीबिशन, पहले डायरोमा एग्जीबिशन बांग्लादेश ने उन्होंने किया था, जिसका नाम शीर्षक रखा था सत शिक्षा। तब वहां पे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक महीने तक प्रवचन किया, और कई विद्वान लोग वहां पे भी बांग्लादेश में सरस्वती ठाकुर के साथ जुड़े। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिर्फ पूरे भारत में उस समय तक प्रचार प्रसार किए, फिर वो विदेश 3 शिष्यों को भेजे, जिनमें से पहले हैं भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, जो वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से संन्यास लिए थे, ये पहले व्यक्ति हैं। और दूसरे हैं वन महाराज, भक्ति हृदय वन महाराज, और तीसरे हैं श्री संविदानंद प्रभु। इन तीनों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने विदेश जाने के लिए कहा, तो
वो पहले लंदन गए थे और मैंने एक प्रीचिंग सेंटर वहां पे उन्होंने प्रस्तुत मतलब वहां पे किया, और कई सारे पत्र आते थे विदेश से सरस्वती ठाकुर के पास और धन्यवाद वो देते थे। उसके बाद 1933 में उन्होंने कुरुक्षेत्र गए सरस्वती ठाकुर, और जहाँ पे वहां पे भी वो चातुर्मास्य का व्रत किया, और वहां पे भी एक डायरमा प्रेजेंटेशन किया था वहां पे, और कई भारतवर्ष के विद्वान लोग वहां पे आकर्षित हुए और इस तरह का प्रस्तुति देख के वो आश्चर्य हो गए। 1934 में त्रिपुरा के जो राजा है वो सरस्वती ठाकुर के पास आए, और एक राजा होते हुए भी वो चरणों में झुक के प्रणाम किए, और जब सरस्वती ठाकुर कथा मतलब उनके पास बैठ के उनका उपदेश लिया और उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए कहा, तो जो साधारण यंश समूह था वो देख के बहुत ही प्रभावित हुआ। तो उसके बाद 1935 में गवर्नर ऑफ बंगाल सर जॉन एंडरसन मायापुर आए, और उन्होंने भी सरस्वती ठाकुर का जो विद्वत्पूर्ण प्रस्तुति है उसको सुना और सराहना किया, और कई तरीके से उनको मदद की। तो 1936 तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 गौड़ीय मठ बनाए और भारत में तथा विदेशों में प्रचार किया। तो उसके बाद जब अंतिम उनका जो समय था उस समय बहुत ही तीव्रता पूर्वक वो प्रचार कर रहे थे, तब एक डॉक्टर ने उनको कहा कि आप अभी इतना मतलब जो कथा कर रहे हैं ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। तो उन्होंने सरस्वती ठाकुर ने कहा, जैसे आप ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है आप सब जानते होंगे, प्राण अच्छे जा सेहेतु प्रचार, सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जीवन मिला है कि भगवान का गुणगान करने के लिए। तो सरस्वती ठाकुर अपने सभी शिष्यों के सामने ये एक बात कहे कि इस संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं, अभाव है कृष्ण कथा का अभाव है। अगर जीवन में कृष्ण कथा अगर नहीं करेंगे तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो अंतिम क्षण में जब हम देखते हैं तोटा गोपीनाथ के सामने जो चटक पर्वत है वहां पे जो गौड़ीय मठ है वहां उन्होंने निवास किया, और कई बार रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के पदों को उन्होंने गान किया अंतिम क्षणों में। तो उनके जो लास्ट डे है उस दिन उन्होंने दिसंबर 31 में उन्होंने श्री श्रीधर महाराज जी को बुलाया और कहा कि मैं श्री रूप मंजरी पर वो भजन जो है मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज जी बहुत सुंदर गाते थे, और नवीन कृष्ण विद्यालंकार उनके और एक शिष्य हैं जिनको कहा कि आप सिख्याष्टकम का गान कीजिए। ये सिख्याष्टकम और ये भजन सुनने के बाद सरस्वती ठाकुर अपने सभी शिष्यों को पास बुलाए और कई सारे उपदेश दिए, जिसमें पहला है कि प्रत्येक गौड़ी वैष्णव जीवन जो प्रत्येक गौड़ी वैष्णव जो है उनका जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी का वाणी का प्रचार और प्रसार करें। इस तरह से कई सारे उन्होंने उपदेश दिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुबह मतलब 5:30 में अप्रकट हुए, और कई सारे दिव्य लीला हुआ जो कई सारे महान भक्त जो है वो अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किए। जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि बाग बाजार जो जहाँ पे सरस्वती ठाकुर अप्रकट हुए उस क्षेत्र में जितने भी घड़ी थी वो घड़ी सब बंद हो गई। मतलब प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जो है मैंने ये प्रसंग जो है कान्हाई कृष्ण प्रभु से सुना था भक्ति वैभव के क्लास के दौरान कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व थे, जब वो कथा कहते थे जब विदेशी लोग बोलते थे कि आप ऐसा बात ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए जो हम समझ सके, क्योंकि वो समझते वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ माय गुरु इज वैकुंठ मैन। तो इस तरह से ऐसे महापुरुष है। तो कई पेजों में इस ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मतलब जो कार्य है 6-7 पेजों में क्या क्या किया है उन्होंने, एक एक दिन में क्या क्या करते थे उसका प्रस्तुति है। तो आज इतने बड़े महान आचार्यों का ये आविर्भाव दिवस है, और बहुत ही भव्य तरीके से आज उड़ीसा में उनका ये प्राकट्य उत्सव पालन हो रहा है। इस्कॉन में भी कई जगह में हम देख रहे हैं उनका उत्सव हो रहा है। तो आज के दिन हम सभी प्रार्थना करेंगे
ताकि प्रभुपाद जी एक बहुत ही स्नेह से सत्सव दास गोस्वामी महाराज जी को एक वाक्य कहा था कि पिता जो है पुत्र के प्रति थोड़ा कठोर होता है, पिता थोड़ा कठोर शासन करता है, लेकिन जो मतलब क्या बोले दादा जो है वो बहुत ही स्नेह करते हैं, वो कभी भी दोष नहीं देते। और आप जो है आप हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रार्थना मतलब आप लोग करो ताकि उनकी कृपा से आप बहुत ही आध्यात्मिक बल प्राप्त करोगे और आप अच्छे से प्रचार कर पाओगे। तो आज वही तिथि है और हम सब भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृपा करें ताकि हम भी श्रील प्रभुपाद की इस दिव्य आंदोलन में अपने घृण्य जीवन को मार्जित करते हुए गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर सके। अभी 10 मिनट रहा और उसमें ये कुछ ही कम समय में हमारे इस कॉल के अन्यतम आचार्य श्री गौर गोविंद महाराज जी के जीवन चरित्र का हम श्रवण करेंगे। श्रील गौर गोविंद महाराज जी 2 सितंबर 1929 में जगन्नाथपुर एक छोटे से गांव में उनका प्राकट्य हुआ था। और उनसे पहले मैं उनके मतलब जो परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनके इस वृंदावन से एक विग्रह गए थे ओडिशा जिनका नाम था गोपाल जी। आप जानते बड़े ही प्रसिद्ध ठाकुर है, इसको हमें प्राय सभी भक्त जानते हैं। और वास्तव में वो महाराष्ट्र के लिए ही ओडिशा गए और उनके गौर गोविंद महाराज के जो माँ थे उनके पूर्वज वो विग्रह का सेवा करते थे। तो उनकी जो नाना थे गौर गोविंद महाराज जी के वो बड़े परमहंस थे और उनका एक ही कार्य था, वो गोपाल जी के सामने कीर्तन करते थे और मतलब नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु के कीर्तन का गान करते थे और अनेक समय भावावेश में चले जाते थे और हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किस तरह से आपका वाणी का ये प्रचार प्रसार हो। वो ऐसे महापुरुष थे। तो और उनकी माँ जो है वो बचपन में ये जो ठाकुर जी है गले मतलब गोपाल जी उनकी सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी उस मंदिर में, मंदिर का मार्जन करती थी और हमेशा कहती थी कि भगवान मुझे आपके जैसा एक लड़का चाहिए। हाँ, तब महाराज जी का प्रकट्य हुआ है और महाराज जी उस समय ओडिशा का हालत इतने गरीब है वहां पे, मतलब लोगों के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। आप सोच सकते हो उस समय कैसा होगा जब महाराज जी का प्राकट्य हुआ। और बचपन में ही बड़े ही मतलब विद्वान थे महाराज जी और शुरू से ही जब उनको उम्र 4 साल था तब वो भगवत गीता कंठस्थ कर लिए थे 4 साल की उम्र। और कई दिव्य लीलाएं हैं जो समय के अभाव से मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बचपन के ऐसे ऐसे लीलाएं जिनको सुन के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मतलब कैसा मतलब कितने बड़े महान आचार्यों के आश्रय में हम लोग सब है और सौभाग्यवश उसी मंदिर में मैं भक्त बना हूँ। तो मुझे तो पूरा एकदम वो सब चरित्र मतलब शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे उड़ीसा में जो लोग भक्त नहीं है, भुवनेश्वर में जो लोग भक्त नहीं मुसलमान लोग आज के दिन गौर गोविंद महाराज के तिरुवाग दिन वो आके ऐसे गुणगान करते हैं, जिन्होंने उनको एक बार देखा है वो मान गए हैं कि सच में भगवान के भक्त कैसे होते हैं। एक बार देखने से आप कल्पना नहीं कर पाएंगे किस तरह से महाराज जी ने प्रचार किया और बचपन से ही। और महाराज जी के तो सैकड़ों ऐसे शिष्य हैं जो उनके वो स्कूल के जो डिसाइपल थे मतलब शिष्य थे स्टूडेंट थे वो बाद में उनके शिष्य बने। कितना बड़ा उनका आदर्श होगा जीवन। तो जब उनका उम्र 8 साल था तब वो रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे और इतना उनके पास मतलब महाराज भी बहुत गरीब थे, खाने के लिए भी उनके पास नहीं था और लेकिन फिर भी वो बहुत ही विद्वान थे। बाद में वो टीचर बने, कई सारे उनके ऐसे ऐसे सिद्धियां थी। और एक तो कह देता हूँ महाराज जी के मित्र हैं और वो एक बार व्यास पूजा में आके ये चरित्र कह रहे थे। मतलब एक बार वो स्कूल में जब अनुगुल एक जगह है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज सेंटर बना रहे हैं, बहुत भव्य स्थल मंदिर बनने जा रहे हैं और वहाँ पे टीचर थे। तो अनुगुल से जगत सिंहपुर कटक आना है बस में आ रहे थे, गवर्नमेंट बस चलता था उस समय, प्राइवेट बस नहीं था। तो रास्ते में उनको शौच लगा, तब जब शौच लगा तो वो अपने मित्र को बोले मुझे शौच लग रहा है। बोले अरे उनका बचपन का नाम था ब्रजबंधु माणिक, अरे ब्रजबंधु तुम्हारे लिए बस रुकेगा क्या? तो ऐसे बस क्रॉस कर रहा था तो एक
मतलब तालाब देखा, तो महाराज जी बोले कि अगर यहाँ बस रुक जाता तो हम स्नान कर ले। ऐसा कहा और तुरंत बस रुक गया, कहते ही बस रुक गया। और जैसे ही बस रुका महाराज निकल गए, तो सोच तू आके पूछ रहे गाड़ी क्यों रुका है, बोले पता नहीं गाड़ी में कुछ खराब हो गया। तो कंडक्टर से पूछे, बोले अरे सब कुछ, बोले सब कुछ ठीक है लेकिन गाड़ी चल रहा है। महाराज बोले एक बार फिर से ड्राइव करके देखो। तो जैसे ही तुरंत ही बस मतलब चालू हो गया, तो सब लोग बोले कि ये व्यक्ति कोई सिद्धि उसको पता है कि। और महाराज जी जब मतलब गृहस्थ आश्रम में थे, तो उसी समय उनके पत्नी मतलब जो गुरु माँ है, हम उनसे डायरेक्ट सुने हैं कि महाराज श्री अपने आसन से पूरा ऊंचा उठ जाते, उनका कई सारे सिद्धियां थी उनके पास। तो ये सब दृश्य देख के उनके मन में लगता था कि मेरे पति जो है मेरे पास नहीं रुकेंगे। जब 8 अप्रैल 1974 को उन्होंने घर छोड़ दिया। आप हमारे भुवनेश्वर में उनका जो डायरी है आप देखेंगे, बचपन में लगभग 7 साल के उम्र में मैं एक डायरी देखा था जब उनका उम्र 7 साल था। वो हर रोज रात को सोने से पहले गोपाल जी के पास एक पत्र लिखते थे, और उस पत्र का अंतिम लाइन था कि हे गोपाल आप मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करें जिसको मैं सारे विश्व में बांटना चाहता हूँ। 7 साल उम्र में कोई ऐसा लिख रहा है, मैं मुझे आप प्रेम भक्ति दीजिए, मैं सारे विश्व में इसको बांटना चाहता हूँ। वो सब आज भी सुरक्षित हैं, आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये सब चीज। तो उन्होंने घर छोड़ा और कई सारे आध्यात्मिक संस्था में गए, वो सन्यासी बनना चाहते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था में गए, एक महान आचार्य के साथ उन्होंने भेंट किया। तब उनके साथ उनका थोड़ा तर्क हुआ, जब बोले एक आध्यात्मिक गुरु बड़े ही प्रसिद्ध हैं भारत में, उन्होंने बोला कि ध्यान करना चाहिए। तो महाराज से तुरंत ही चैतन्य चरितामृत और भागवत से कोट की कि कलयुग का धर्म तो हरिनाम संकीर्तन है, ध्यान क्यों कह रहे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं। महाराज बोले मुझे यहाँ से जाना भी चाहिए। तो उन्होंने हिमालय में जाके रुका एक दिन, जिस समय बारिश हो रहा था, तो महाराज श्री बैठे हैं तो एक भयंकर सांप आया। तो वो सांप को देख के महाराज श्री बोले कि अभी कोई उपाय नहीं, आप भी बैठ के नाम संकीर्तन सुनिए और मैं जब कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों भी बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा बैठे ही महाराज जी जब करते हुए, थोड़ा निद्रा हो गया था उनको, और सुबह देखते वो सांप चला गया। फिर हिमालय में कई सारे लोगों को देखा, लेकिन किसको देख के भी गुरु बनाने का मतलब गुरु का जो उनका हृदय में भाव नहीं था। फिर महाराज श्री कहते हैं कि मुझे मेरे मन में था कि मैं वृंदावन में निराश नहीं होऊंगा, मतलब मुझे वृंदावन में गुरु मिल जाएगा। तो वृंदावन में आए इधर, और वृंदावन में बांके बिहारी जो मंदिर है वहां पे उसके निकट एक आश्रम में रुके थे महाराज श्री, और कई सारी चीज है। लेकिन बाद में इधर रमण रति के पास आए तो इस्कॉन का बड़ा सा बोर्ड देखा, और फिर आके देखा कुछ विदेशी भक्त उनको बैक टू गॉड रेड मैगजीन दी, उसको देखते हैं तो भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है। तो देख के उनको विश्वास हो गया कि यही मतलब ये ठीक जगह है, मैं ठीक जगह पहुंच गया। तब उस समय प्रभुपाद जी के जो क्वार्टर्स थे उसमें परम पूज्य तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी की सेवा में थे, तो ब्रजबंधु जो है वो इस तरह से लाल कपड़ा भी पहन लेते मतलब। फिर उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं जो मूल आचार्य हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लाल कपड़े में थे तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी उस समय भोजन मध्यान्ह का राजभोग लिए थे और बैठे थे कुर्सी में, और प्रभुपाद जी ने तो पूछा और तुरंत ही वो अंदर गए, कोई नहीं था। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको देखा तुरंत ही पूछे आप संन्यास लिए हैं। महाराज जी बोले नहीं, मैं आपको संन्यास दूंगा। और महाराज तो संन्यास लेने के लिए घर छोड़े थे। तो गोविंद महाराज बोलते हैं कि उसी समय मैंने उनके चरण में बिक गया। तब प्रभुपाद जी ने उनको एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन दिया और बोले कि आप इसको हिंदी में अनुवाद करके लाइए। तो तुरंत ही 2 घंटे के अंदर महाराज ने उसका प्रस्तुत किया, और प्रभुपाद जी उसी समय मतलब किसी को रूम नहीं मिलता था, मतलब एक बांस का मतलब एक झोपड़ी जैसा होता था, जिसको वो मिल जाता था तो वो बहुत ही इसे मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे के मतलब दर्जे के भक्त बन। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला उनको एक रूम दिया जाए,
और उनको जो चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, मतलब पेन पेपर बुक्स सब। तो लोग आश्चर्य, अब भी आया व्यक्ति, उसको तुरंत ही रूम दे दिया। तो शुरू से ही महाराज श्री प्रभुपाद जी को ट्रांसलेशन वगैरह किए, कई सारे ग्रंथ हिंदी में अनुवाद किया। और बाद में 1977 में छवि कानून, वो और एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है उड़ीसा में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक जगह दी। तो प्रभुपाद जी ने महाराज जी को भेजा और एक ब्रह्मचारी को भी भेजा उनके साथ कि आप जाओ उस जगह को डेवलप करो। उस समय वो जो जगह था, उस जगह में कोई इंसान नहीं जाता था, मतलब इतना भयंकर जगह था, वहाँ पे शेर भालू, मतलब वो जंगल था पूरा एकदम, लोग जाते नहीं थे उस तरह, वो मतलब ऐसा जगह था। तो महाराज जी जब गए तो वो ब्रह्मचारी जो उनके साथ में गए थे, वो अभी हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि देखो गौर गोविंद, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। क्यों? ये जगह इंसान का रहने के लायक नहीं। तो महाराज ने बोला प्रभुपाद जी ने हमको भेजा है और गुरु जहाँ भेजता है उसको हम डेवलप करेंगे, ये तो हमारा काम। बोले नहीं, ये जगह इंसान रहने के लायक, यहाँ पे कोई नहीं आता है, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं, कैसे हम रहेंगे। जैसे फिर महाराज ने बोला, तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मचारी को अकेला नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी जाओ, क्योंकि अगर मैं अकेले जाऊँगा तो प्रभुपाद जी मुझे डांटे, इसलिए हम दोनों जाएंगे। तो महाराज जी उनके साथ हैदराबाद गए जहाँ पे जीवीसी मीटिंग हो रहा था। और जैसे ही उस कक्षा में महाराज जी घुसे तो प्रभुपाद जी का मुंह एकदम काला हो गया उनको देख के, कि मैं आपको भेजा था, कैसे आप मतलब तुरंत ही आ गए कुछ किए बिना। तो सभा में महाराज बोले कि प्रभुपाद जी आपने मुझे कहा था संन्यास देने के लिए, आप मुझे संन्यास दीजिए। तो जितने भी वहां बैठे थे सब लोग आश्चर्य, कल आया हुआ व्यक्ति बोल रहे संन्यास दो करके। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, गौर गोविंद तुम्हें पता है संन्यास मतलब क्या स्थिति है, कब संन्यास लिया जाता है? तो महाराज ने बोला प्रभुपाद आप ही बताए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो एक मुहूर्त के लिए स्त्री संघ के बारे में मतलब उसके मन में ये भाव ना आए, और जो जिसको कहीं भी भेजा जाए, अगर तुमको अंडमान निकोबर भी भेजा जाए वहां प्रचार करने के लिए, और कहीं पे विश्व के किसी भी कोने में भेज दिया जाए प्रचार करने के लिए, जो जाने के लिए प्रस्तुत होगा वही संन्यास ले सकता है। तब चुप हो गए सब लोग, तो आश्चर्य सोच रहे थे क्या है। तो जब ये कृष्ण बलराम मंदिर उद्घाटन हुआ उसी दिन प्रभुपाद जी ने महाराज जी को संन्यास दिया, और संन्यास देने के बाद महाराज जी को कहा कि आज मैं क्लास नहीं दूंगा, आज गौर गोविंद क्लास दे। और प्रभुपाद जी ने महाराज जी को व्यासासन में बिठाया और खुद एक शिष्य की तरह बैठ के सुने। वो क्लास खत्म होने के बाद प्रभुपाद जी बोले, मैं चाहता हूँ मेरा हर एक हर शिष्य आज जैसे गौर गोविंद महाराज मेरा गुणगान किए, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर शिष्य और गुरु का ऐसा गुणगान करना चाहिए। इतने खुश हुए थे। तो जब वो जगह महाराज जी बहुत मुश्किल से, आप सोच नहीं सकते, उड़ीसा बहुत ही मतलब गरीब है, वहाँ पे लोग के पास पैसा नहीं रहता है। तो और हमारा मंदिर जो है वहाँ पे उस समय लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, वो जगह बहुत ही मतलब वहाँ पे प्रतिष्ठित लोग रहते थे। महाराज हमारे मंदिर से रोज सुबह चल के जाते थे, वहाँ भिक्षा करते थे। और ये भिक्षा का सिस्टम ओडिशा में बहुत ही मतलब खराब माना जाता है, कोई पैसा भी नहीं देता और कुछ भी नहीं देता, लेकिन महाराज भिक्षा करके लाके, प्रभुपाद जी ने महाराज जी को 3 आदेश दिया था। उसमें पहला था कि मेरा हरेक ग्रंथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश से आप ओडिया में ट्रांसलेशन कीजिए, दूसरा है कृष्ण बलराम मंदिर का स्थापना कीजिए, और तीसरा है सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक महाराज जी प्रभुपाद जी का ग्रंथ का अनुवाद नहीं करते थे तब तक पानी भी नहीं पीते थे। और उसी समय एक बहुत ही उसी समय हमारा जो पदयात्रा हो रहा था, उसी समय प्रभुपाद जी का सेंटिनियल फेस्टिवल होने जा रहा था, पदयात्रा में एक बैल जो है उसकी मौत हो गई। तो परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी जो है गौर निताई जो डीटीज है वो लाके महाराज जी के पास रख दिए, और वो पहले डीटीज हैं जो हमारे मंदिर में आए। तो उसी समय महाराज जी खिचड़ी बनाते थे, एक टाइम भोग लगाते खिचड़ी और दूसरे टाइम भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था, तो बहुत मुश्किल से नींबू पानी देते थे शाम के समय। और वो नींबू पानी शाम के समय जो कथा सुनने के लिए आते थे वो नींबू पानी उनको दिया जाता था। मतलब आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन उस समय हालात ही ऐसे थे। तो उतने दिन जब गौर निताई जो सेवा किए, जब बाद में लोकनाथ स्वामी महाराज जी आए
वो विग्रह को लेने के लिए, तो गौर नेताई बोले हम नहीं जाएंगे। उस मंदिर का प्रत्येक विग्रह जो महाराज जी ने प्रतिष्ठा किया, जब 1977 में प्रभुपाद जी को महाराज जी बुलाए, क्योंकि प्रभुपाद जी को एक बड़ा ही दुख था, प्रभुपाद जी उड़ीसा नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पूरी मंदिर में विदेशी भक्तों को जाने का अनुमति नहीं था। तो प्रभुपाद जी को जब महाराज जी बुलाए तो प्रभुपाद जी गए, और जैसे ही भुवनेश्वर में एंट्री किए, जब आप देखेंगे हमारा मंदिर का जो गेट है तो वहां पे मुस्कुराए, तो कुछ विदेशी भक्तों ने पूछा प्रभुपाद आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोले कि नारद मुनि मुझे बोल रहे हैं कि मैं इतने दयामय हूँ कि म्लेच्छों को भी मतलब आचार्य बना दिया। तो ये बात कहते हुए मंदिर में घुसे और सबसे ज्यादा दिन भुवनेश्वर में रहे और वहां पे दशम स्कंद का अनुवाद किया, और उसी समय महाराज जी के पास प्रभुपाद जी को रखने के लिए पैसा नहीं था। हमारे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है लिंगराज मंदिर के पास, जहाँ उसी समय 300 रुपये था वो रूम भाड़ा देना, वो भाड़ा का पैसा भी महाराज जी के पास नहीं था। तो कुछ गृहस्थ भक्त को इकट्ठा करके मतलब वो पैसा ये किए थे, और महाराज जी मतलब अपना जो कुटिया बनाए थे उसके पास ही प्रभुपाद जी जब आएंगे तो बैठने के लिए कुटिया बना दिए। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी अंदर घुसे बोले कि गौर गोविंद मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी वो गेस्ट हाउस में नहीं रुके, और कुछ जो वेस्टर्न डिवोटीज हैं उनके लिए वो गेस्ट हाउस भेजा गया, लेकिन वो लोग भी बाद में आ गए क्योंकि उस समय वो जो जगह था वो जगह रहने लायक नहीं था, वहाँ पे कीड़े होते थे और कीड़ा काटता था तो बहुत मतलब खून निकल आता था, लेकिन फिर भी भक्त लोग वहाँ रुके और प्रभुपाद जी वहाँ पे रुके, अनुवाद किया, और प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि मेरा कोई भी शिष्य नहीं चाहता है कि यहाँ पे मंदिर हो। और वो लोग उस समय वो मतलब रिकॉर्डिंग मशीन ऑन करके गए थे, प्रभुपाद जी बोले फर्स्ट वो रिकॉर्ड मशीन को बंद करो, फिर उन्होंने बोला कि मेरा कोई भी शिष्य नहीं चाहता कि यहाँ पे मंदिर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मंदिर हो। और गौर गोविंद तुम देखना ये मंदिर ये पूरे शहर का प्राण बन जाए, और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ का गुरु बनो। तो महाराज जी बोले कि प्रभुपाद इट्स अ वेरी डेंजरियस कंडीशन, मैं तैयार नहीं। प्रभुपाद जी बोले अगर मतलब बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, महाराज जी ऐसा कह रहे। तो प्रभुपाद जी बोले अगर तुम मतलब परेशानियों का सामना करोगे तो मुझे ही आनंद देगा। प्रभुपाद बोले हैं दिस टेम्पल विल बी यूनिक टेम्पल इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ये विरल मतलब विरला मंदिर होगा। वास्तव में आप देखेंगे लगभग मतलब 20 साल तक महाराज जी ने पूरे उड़ीसा में ऐसा कोई जगह नहीं, आज उड़ीसा में तो लगभग 7-8 मंदिर बन रहा है, लेकिन उस मंदिर में रहते हुए ऐसा उड़ीसा का कोई कोना नहीं जहाँ पे महाराज नहीं गए, और हर रोज वो 5 घंटा कथा करते थे, 5 घंटा जिस दिन मतलब 2.5 घंटा उड़िया में और 2.5 घंटा इंग्लिश। महाराज जी बोलते थे अपने शिष्यों को अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रसाद पाऊं तो मेरे लिए कथा का आयोजन करें। आज तो साधारण से साधारण वक्ता भी जाता है तो हम भी देखते हैं कि आसन ठीक नहीं है, ऑडियंस है कि नहीं, लेकिन आपको पता नहीं भारी सो रहा है, मतलब उस समय कम्युनिकेशन ओडिशा में बहुत ही गरीब जगह है, आप सोच नहीं सकते, लांटेन जला के महाराज जी घंटों मतलब कथा करते थे, और हरे कृष्ण उत्सव के माध्यम से प्रभुपाद जी के लिए अंतिम क्षण तक वो कथा किए। और 1996 में प्रभुपाद जी का जब सेंटिनल फेस्टिवल हुआ तो ओडिशा में मतलब उनको भी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु कहा जाता था, उनके जो कथा सुने उनको भी सिंह गुरु कहा जाता है इस्कॉन में, और उन्होंने ऐसा प्रचार किया और सरकार की तरफ से भी मतलब ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से भी महाराज जी को सम्मानित किया गया। उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल में जब गौर पूर्णिमा के समय GVC मीटिंग होता है तब मायापुर में आए, और महाराज श्री पद हरेक दिन क्लास में मंगलाचरण में गाते हैं, तो इस तरह से हरि हरिम को नामे बांध बेड़ा पारी करिवे चका डोला से चका डोला उनका पयरे मनम रघु निरंतरे मनम निरंतरे रघु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा, ये पद हमेशा गाते हैं महाराज श्री, और उसी वाणी को सार्थक करते हुए वो इस जगत से गए। जब उन्होंने कुछ भक्तों ने उनको पूछा जगन्नाथ जी का रूप क्यों ऐसा है, तो उसी जो दिव्य लीला का वर्णन करते हुए जब भगवान कृष्ण राधारण वृंदावन आ गए हैं और गोपियों के साथ उनका मतलब मिलन हुआ है,
फिर वो कहा कि मैं अभी उसके बाद नहीं बोल सकता हूँ। फिर अपने जो सेवक है उनको कहा कि मेरे गोपाल का विग्रह दो, और जिन गोपाल यहाँ से गए थे, ब्रज से गए थे उनके सेवा को स्वीकार करने के लिए, उनके हाथ हाथ में उनका फोटो रखा और गोपाल का नाम कहते हुए जगत से प्रकट करी। तो आज बहुत ही पावन दिन है दो महापुरुषों का। आप जान के आश्चर्य होगा, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, जिसमें अंतिम मंदिर जो है वो भुवनेश्वर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 गौड़ी मठ बनाए, जिसका अंतिम केंद्र भी भुवनेश्वर में, राधा भुवन सुंदर विग्रह का नाम है और कृष्ण वर्णा। तो आज ये दोनों महापुरुष का आविर्भाव और तिरोभाव दिखते हैं। हम आज के दिन उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम भी आध्यात्मिक जीवन में निष्ठा के सहित गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गौर गोविंद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद ने भी।